एक्स बाबा में आपका स्वागत है। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ को भी शुरू कर रहे हैं, जहां पे आप हर रोज़ का करंट अफेयर्स पा सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। आप यहां से करंट अफेयर्स की तैयारी अब कर सकते हैं। अब मेरा नाम अरविंद सिंह है और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इन आईडीज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर के पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक दिया गया है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज 22 जुलाई है, आज के करंट अफेयर्स को चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आज का, किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत में पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा फेमपे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। नंबरलेस कार्ड का मतलब होता है जो नॉर्मल जो हम लोग डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, उस पर देखिएगा नंबर्स लिखे होते हैं, उस नंबर्स के और सीवीवी ओटीपी की हेल्प से आप पेमेंट कर पाते हैं। लेकिन उसमें अगर छोटे बच्चों को आप देते हैं ये कार्ड तो उसमें बड़े फ्रॉड की भी दिक्कतें आती है। इसके लिए फेमपे ने क्या किया है कि एक नया कार्ड लॉन्च किया, बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरह होगा जिस पे कोई नंबर्स नहीं लिखे जाएंगे, और ये अपनी तरह का भारत में पहला कार्ड होगा जिस पे कोई नंबर नहीं लिखा जाएगा। इसके लिए इसको कहा गया है फर्स्ट नंबरलेस कार्ड। सेकेंड, किस देश ने पबजी गेम पर प्रतिबंध लगाया है? पबजी के बारे में आप ऑलमोस्ट जानते ही होंगे, सब लोग जानते होंगे, और आपको पता ही होगा कि अपने देश में भी पबजी को बैन करने की कहीं कहीं डिमांड अब उठ रही है, क्योंकि ये एक मतलब कि आदत सी हो जाती है इसको खेलने की। लेकिन अभी तक अपने देश में इसको बैन नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने पबजी को पूरी तरह से अपने देश में रोक लगा दिया है। थर्ड, द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा 15th। ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसको जरूर से याद रखिएगा, इसका आंसर होगा 15th। आगे चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपको पता होगा कि सुरंग में बहुत सारे बारूद बिछा दिया जाता है, अगर उसको हम ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो वहाँ हमेशा एक बड़े खतरे की आशंका बनी रहती है और सेना के लिए हमेशा से ये एक चैलेंज रहा है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसके लिए एक कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है, जो एक ऐसा उपकरण बनाएगी जिससे बारूदी सुरंगों को आसानी से हटाया जा सकता है। ये काफ़ी हमारे सेना के लिए हेल्पफुल होगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय वायुसेना को P-8 विमान देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 2021। 2021 तक भारतीय वायुसेना को 4 P-8I एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे। ये P-8I होता क्या है? तो ये एक एयरक्राफ्ट है जिसका बेसिकली हम यूज़ करते हैं एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में। सबमरीन जहाँ भी होगा उसकी हंटिंग के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, और भी इसका मल्टीपर्पसेस हो सकता है, लेकिन ये एंटी सबमरीन के लिए काफ़ी हद तक जाना जाता है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास आयोजित किया गया? पासेक्स जो एक सैन्य अभ्यास है, तो आपका क्वेश्चन है कि इसमें कौन से दो देश शामिल है भारत के साथ साथ? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। देखिए ये जो ड्रिल होता है हमेशा होते रहता है, ये जो एक्सरसाइज होती है होते रहती है सॉलिडेरिटी को दिखाने के लिए कि हाँ हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सभी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने तुरंत एक ऐसा वहाँ पे एक रूल बनाया जिसके तहत कोई भी सर्विस प्रोवाइडर फ्री इंटरनेट प्रोवाइड अब बांग्लादेश में नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस देश ने समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून तैयार किया है? तो इसका आंसर होगा रूस। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे देश अभी एग्जिस्ट करते हैं जो समलैंगिक विवाह या गे मैरिज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन रूस तुरंत एक ऐसा अपना ड्राफ्ट रेडी किया है जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी गे मैरिज या समलैंगिक विवाह वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, ICC ये नए नियमों के अनुसार गेंद पर लार इसका इस्तेमाल करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा डॉम सिब्ले, जो कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। आपको पता होगा COVID-19 के बाद जब से ये पेंडेमिक शुरू हुई उसके बाद से क्रिकेट अब रिज्यूम हो रहा है, धीरे धीरे क्रिकेट अब खेली जा रही है।
तो आईसीसी ने अपने नियमों में भी काफी सुधार किया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि गेंद पे सलाइवा का पहले जैसा आप यूज नहीं कर सकते हैं, पहले जैसे लार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली पहले लार का इस्तेमाल किया जाता था गेंद को साइन करने के लिए, उसको चमकाने के लिए। आप क्रिकेट कई बार देखते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलता होगा, लेकिन अब साफ साफ इस रूल में कहा गया है कि आप अब सलाइवा का यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे COVID-19 डिजीज़ को फैलने का काफ़ी हद तक डर होता है। तो डॉम सिबले पहले ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने इस रूल को ब्रेक किया है और अपने साथ साथ अपने बाकी खिलाड़ियों के जीवन को भी काफ़ी हद तक खतरे में डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा दिल्ली। तुरंत दिल्ली सरकार ने एक ऐसा नियम पारित किया जिसके तहत अब राशन लेने के लिए कहीं जाना नहीं होगा, बल्कि आपके घर आपके दरवाजे पर राशन की डिलीवरी करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है? आपको पता है कि धीरे धीरे जो भी वाहन है उसको इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, उसको विद्युत से चलने के लायक बनाया जा रहा है। तो सबसे इसमें बड़ा चैलेंज होने वाला है कि उसको चार्जिंग का जगह हम कहाँ दें, कितना टाइम लगेगा, कहाँ पे बनाए। तो इस तरीके की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। तो नई दिल्ली जो है भारत का पहला जगह है जहाँ पे सार्वजनिक रूप से चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है, जहाँ पे आराम से इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हुआ है? तो याद रखिएगा, लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और राज्यपाल के पद पर रहते हुए ही उनका निधन हो गया। नेक्स्ट, प्रकाश जावड़ेकर ने कछुओं के संरक्षण के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा कूर्मा। कछुआ देखिए आज के टाइम पे इंडेंजर्ड है, काफ़ी उसको संकटग्रस्त प्राणी रूप में रखा गया है, क्योंकि उसे बहुत सारे पर्पसेस के लिए उसको मारा जाता है। कभी कभी आप औषधि के लिए कहें या फिर कभी उसको मतलब कि एज ए मीट यूज़ करने के लिए कहें, तो काफ़ी हद तक उसको मारा जा रहा है। इसके लिए उसको सेफ रखना, उसको बचाना हमारे प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए प्रकाश जावड़ेकर ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है कुर्मा, इसको ज़रूर से याद रखिएगा। आज के करंट अफेयर सीरीज में इतना ही, मिलेंगे कल आपको इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर